नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने सभी की रूह कपा दी है। इस हमले की वजह से सभी को गहरा सदमा लगा है। रविवार को रियासी में वैष्णो देवी मंदिर के बाद शिवखोड़ी तीर्थ स्थल से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 20 सड़क पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। इस हमले पर आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी अपना दुख जता रही हैं। रियासी में हुए इस आतंकी हमले ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। जिस तरह से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ऑल आईज ऑन राफा ट्रेंड किया था, ठीक उसी तरह अब सोशल मीडिया पर ऑल आईज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है। इस आतंकी हमले को लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर आलिया भट्ट समेत तक कई बड़ी बड़ी हस्तियों का दिल टूट गया। प्रियंका चोपड़ा ने तो सवाल तक उठा दिया कि आखिर ये अब नागरिकों और बच्चों के साथ ही क्यों हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दुख जताते हुए लिखा, झकझोर देने वाला मासूम श्रद्धालुओं पर ये घृणित हमला बहुत डरावना है। नागरिक और बच्चों को क्यों? दुनिया भर में हम जो नफरत देख रहे हैं उसे समझना बहुत कठिन है। वहीं रियासी में हुए आतंकी हमले की कंगना रनौत ने भी निंदा की और कंगना ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए टेररिस्ट अटैक की मैं आलोचना करती हूं। वो वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे और आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया सिर्फ इसलिए कि जाने वाले यात्री हिंदू थे। जिनकी मौत हो गई उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करती हूं और जो घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की भी कामना करती हूं। वहीं अनुपम खेर ने दुख जताते हुए लिखा, जम्मू के रियासी के हादसे को देखकर गुस्सा, दुख और दर्द है। भगवान पीड़ित के परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। घायल होने वाले यात्रियों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके अलावा आलिया भट्ट ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा, ये दिल दहला देने वाली घटना है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। निर्दोष लोगों पर हिंसा ने मानवता को हिलाकर रख दिया। अजय देवगन लिखते हैं, रियासी में हुए हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हम एक देश के रूप में दुख की इस घड़ी में एक साथ खड़े हैं। इस कठिन समय में मेरी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ हैं। वरुण धवन लिखते हैं, रियासी में निर्दोष तीर्थयात्रियों पर भयानक हमले से तबाह, मैं इस कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना, पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके अलावा कपिल शर्मा ने लिखा, मैं रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। बेकसूर और निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाने वालों को जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, सबका हिसाब यही होगा। आपको बता दें कि इन स्टार्स के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियों ने रियासी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को लेकर भी बॉलीवुड हस्तियां जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और स्वरा भास्कर ने ऑल आईज ऑन राफा के नाम की मुहिम चलाई थी और इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था। वहीं अब बॉलीवुड स्टार्स जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर दुख जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। हमले की जांच के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने 11 टीमें बनाई हैं। NIA की एक टीम ने सोमवार को रियासी में स्थिति का आंकलन किया और NIA की फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।